वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाबरस किचन। फ्रेंड्स, फिश के कई सारे रेसिपीज होती है, उन्हीं में से सबसे ज्यादा टेस्टी और सबकी फेवरेट है फिश फ्राई। मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर की है फिश फ्राई की रेसिपी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पॉम्फ्रेट फ्राई। इसे बनाना बहुत ही आसान है और अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पॉम्फ्रेट फ्राई बनाने के लिए सामग्री चाहिए। यहाँ पे हमने पॉम्फ्रेट पांच लिए है और हमने साइड के फिन्स निकाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और बीच में से कट किए हैं और अच्छे से हमने इसे क्लीन करके लिया है। और यहाँ पे हमने बेसन लिया है एक कप, बारीक सूजी लिए हमने एक कप, यहाँ पे इसे रवा भी बोल सकते हैं। लेमन जूस लिया है दो नींबू का, यहाँ पे दो चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, स्वाद अनुसार नमक, पिंच ऑफ हींग, हल्दी पाउडर लिए है आधा चम्मच, धनिया पाउडर 3 चम्मच, कोल्हापुरी मिर्च मसाला 4 चम्मच, हमने यहाँ पे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ली है 4 चम्मच, तेल और पानी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, तो इसमें हम सबसे पहले कश्मीरी मिर्च डालते हैं, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और हमने तीखे के लिए यहाँ पे कोल्हापुरी मिर्च मसाला यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जाएगा धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हींग, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे आप इसमें ग्रीन चिली का भी यूज कर सकते हैं। लेमन जूस, स्वाद अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी फिश फ्राई की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है मैरिनेशन, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है और मसाला अच्छे से फिश के अंदर कोट होके जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो चुका है, थोड़ा हम हाथ से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम पानी का यूज नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा ड्राई लग रहा तो आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। यहाँ पे लेमन जूस की वजह से परफेक्ट गीला हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम फिश को मैरिनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिश पे अभी हमारा मिक्सचर लगाएंगे इस तरह से। हमें अच्छे से इसे मसाज करना है और साइड से भी लगाना है अच्छे से, और इसके अंदर भी ऐसे डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से कट में वगैरह मसाला अच्छे से लगा दिया है, ये देखिए। अब हम इसे दूसरे साइड से भी लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अच्छे से कोट किया है मसाला इसके ऊपर। अब हम सारे फिश को इसी तरह मसाला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रख देते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस तरह से कट्स में डालना है मसाला और साइड में भी। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से कोट कर लिया है। तो इसी तरह हम बाकी की फिश भी कोट करके लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे फिश को अच्छे से मसाला कोट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फिश मैरिनेट हो गई है, आप चलते फ्राई करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन, फिर इसमें ऐड करेंगे सूजी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो चुका है। और साथ ही हमने यहाँ पे एक पैन में तेल गरम करने के लिए रखा है 5 से 6 चम्मच, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम फिश को रवा और बेसन के कोटिंग में इसे डाल देंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि पूरा कोट हो जाए, और फिर ऐसे फ्लिप करेंगे। यहाँ पे रेडी है और हम ऐसे पकड़ के थोड़ा डस्ट करेंगे इस तरह से, और फिर इसे हम तेल के अंदर डाल देंगे। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे और फिर दूसरे साइड से हम फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम लो मीडियम रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए, अब हम फिश को फ्लिप करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स फिश को पकने में टाइम नहीं लगता, इसलिए हम 4 से 5 मिनट ही इसे पकाएंगे। मिक्सचर जो बना है उससे हमारे बेसन के वजह से अच्छे से कोट हो जाएगा। तो खाली आप रवा लेंगे तो वो रवा निकल जाता है, इसलिए हमने दोनों मिक्सचर बनाए हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दोनों साइड से 5-5 मिनट के लिए पका लिया अच्छे से। अब हम फिश को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। वाओ, अमेजिंग। तो इसी तरह हम बाकी की फिश भी फ्राई करके लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिश को ऐसे डैप करेंगे। इसे भी हम 5 मिनट के लिए वन साइड से अच्छे से फ्राई करके लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, ये देखिए, और एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरह अब हम बाकी की भी फिश फ्राई करके लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सर्विंग कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारा पॉम्फ्रेट फ्राई कितना बढ़िया लग रहा है। तो हमने यहाँ पे ऑनियन और लेमन के साथ में सर्विंग किया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं स्टार्टर करके, या चपाती या रोटी के साथ में भी खा सकते हैं। तो हम थोड़ा अभी टेस्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ऊपर से क्रंची बना है, आवाज़ भी आ रहा है, ये देखिए। तो अभी हम टेस्ट करके देखते हैं, और परफेक्ट पका है। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बना है, एकदम परफेक्ट फ्राई हुआ है। तो फ्रेंड्स आप
आप ये फिश फ्राई की रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और आपके कमेंट नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।